विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज विपक्ष जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा उठा सकता है सदन में। विधायकों के सवालों के जरिए भी विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति है। विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। मंत्रियों के सदन के भीतर सवालों के जवाब नहीं देने के आरोप हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता और वन विभाग से संबंधित सवाल आज उठाए जाने हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर विपक्ष आज सदन में सरकार को घेर सकता है। इससे पहले दो दिनों में जो सवाल पूछे गए उनके ठीक से जवाब मंत्रियों की तरफ से नहीं दिए गए, जिसे लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार दो दिनों से हम यही सुन रहे हैं यहाँ विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि उनका आरोप है कि मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे रहे, तैयारी कर नहीं आ रहे हैं। आज भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए जाने हैं, उसे लेकर क्या सरकार की अच्छी तैयारी दिख रही है और आज क्या रहने वाला है सदन में? बिल्कुल, देखिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन सदन का रहने वाला है, क्योंकि आज वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित और सहकारिता से संबंधित कई सवाल लगाए गए हैं। आज का जो दिन है वो मंत्री धन सिंह रावत और जो मंत्री सुबोध उनियाल है उनका दिन है, लेकिन पिछले दो दिन से ये देखा गया है कि मंत्री अपने जो विभाग हैं उनका जो स्पष्ट जवाब जब मांगा जाता है, चाहे वो विपक्ष के विधायक से मिलना मांगा जाए या फिर सत्ता पक्ष के विधायक से पूछा जाए, उसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता, जिसलिए विपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं कि मंत्रियों का जो होमवर्क है वो कम्प्लीट नहीं है। विदाउट होमवर्क वो सदन के भीतर आ रहे हैं, जो सवाल स्पष्ट होता है उसके सापेक्ष जो जवाब मिलना चाहिए सदन के भीतर वो नहीं मिल पाता, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन आज क्योंकि देखिए खास दिन रहने वाला है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज सवाल जवाब किए जाएंगे, उसमें आज स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में तमाम जगह ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जहां चरमराई हुई है, चाहे हम चारधाम यात्रा की बात करें तो उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिला विकास प्राधिकरण का मामला पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, हालांकि इसको पिछली सरकार ने ही कर दिया था, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने मकान या तमाम कमर्शियल चीज़ें बनाने के लिए लोन लेना पड़ता है, तो उनसे नक्शे मांगे जाते हैं। तो ये मुद्दा आज विपक्ष उठाएगा। जो विधायक हैं कांग्रेस के मनोज तिवारी, उनकी तरफ से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है और आज इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा तमाम विभागों के जो सवाल लगाएंगे उसके माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। कल चारधाम यात्रा का विषय सदन के भीतर उठाया था, नियम 58 के तहत उस पर चर्चा की गई, लेकिन विपक्ष उस पर संतुष्ट नहीं है कि सरकार उसकी तरफ का सापेक्ष जवाब नहीं दे पाए हैं। तो संभावना यह भी जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर घोड़े खच्चरों की मौत का मामला हो या फिर अव्यवस्था हो, उसको फिर से एक बार सदन के भीतर उठाया जाए। ये ऐसे मुद्दे आज महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उसके अलावा जो आज विभागवार बजट पर चर्चा की जानी है, क्योंकि कल दो घंटे सदन में बजट पर चर्चा हुई है, आज विभागवार चर्चा की जाएगी, उसके बाद जो बजट है वो पास कर दिया जाएगा, तो आज विभागवार भी चर्चा की जाएगी। तो सुबह का जो वक्त होगा वो शून्य प्रश्नकाल का होगा, उसके बाद अलग अलग तरह से जो सवाल लगाए जाते हैं विधायकों की ओर से उनका समय होगा, उसके बाद सदन के अंदर लंच ब्रेक के जो बात का समय होगा उसमें आज विभाग बार चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से तमाम चीज़ें आज शेड्यूल तय की गई हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखिए ये है वन विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सहकारिता और अन्य विभागों के सवाल आज विधानसभा सदन के अंदर लगाए गए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कल सदन की कार्रवाई के दौरान मंत्री चंदन रामदास की तबियत अचानक से बिगड़ गई। परिवहन मंत्री चंदन रामदास की तबियत बिगड़ी और जब वे सदन में सवालों के जवाब दे रहे थे उसी दौरान अचानक उनकी तबियत खराब हुई। सबसे पहले उन्हें विधानसभा की डिस्पेंसरी लाया गया और उसके बाद उन्हें दून अस्पताल रेफर कर दिया गया और इसके बाद उनका हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे। अभी चंदन रामदास की हालत स्थिर बताई जा रही है, तो मैक्स हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। सदन में सवालों का जवाब दे रहे थे और उसी वक्त अचानक उनकी तबियत खराब हो गई। पहले तो विधानसभा के डिस्पेंसरी में ही उनका इलाज हुआ और उसके बाद उन्हें दूर हॉस्पिटल ले जाया गया। और चलिए अब आपको बड़ी खबर दे दे, आज देश भर में राजभवन का घेराव कांग्रेस करने जा रही है। देहरादून में भी आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। दरअसल राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ का विरोध है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है और कल 17 जून को हर जिले में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। साथ ही आपको ये भी बताया कि राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं और स्टाफ से लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस अब प्रदेश में आंदोलन करने वाली है और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। आज देश भर में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस और आपको बताया कि देहरादून में आज राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। इसके लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल से ईडी पूछताछ कर रही है एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता अब
देश भर में राजभवन के सामने बैठने का प्लान कर रहे हैं, राजभवन का घेराव करेंगे और इसके लिए तैयारी कर ली गई है। आपको बताएं कि इससे पहले भी विरोध किया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और आज एक बार फिर से राजभवन का घेराव करने की कोशिश। चलिए राजनीति की बात तो हो गई, अब मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। देर रात देहरादून और आसपास के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जहां लोग पर्यटन के लिए जा रहे थे, बावजूद इसके गर्मी उन्हें काफी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब राहत की खबर है। मौसम विभाग ने 18 जून तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। देर रात दून और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। टेम्परेचर भी डाउन हुआ है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अब ये माना जा रहा है कि पहाड़ों की बारिश का जो असर है वो मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा, यानी कि मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये तस्वीरें देखिए, जब मौसम बदला तो कैसे सुहाना मंजर नजर आया और जो पर्यटक इस वक्त पहुंचे हुए हैं पहाड़ों में देहरादून, वहाँ लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि पहाड़ों पर भी चिलचिलाती गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। मौसम लगातार गर्मी की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब देखिए बारिश के बाद मौसम अच्छा बना है और मौसम विभाग का ये कहना है कि 18 जून तक प्रदेश में बारिश की संभावना है, यानी कि 18 जून तक इस तरह से ही मौसम बना रह सकता है। देहरादून और आसपास के कई इलाकों में कल देर रात शाम के समय ये बारिश हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर में आयोजित नॉर्थ जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। नॉर्थ जोन की प्रतियोगिता में 7 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आने वाले समय में यहां पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होना है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में आजकल हमारे जो कोर्सेज हैं बेसिक एडवांस और माउंटेनिंग के, वो इस टाइम पूरे जोर शोर से चल रहे हैं और अभी हमारे जो आने वाले समय में कुछ ऐसे स्पेशल कोर्स शुरू होने जा रहे हैं, जैसे स्पोर्ट क्लाइंबिंग कोर्स जो आजकल पूरे भारत में सबसे पहले हमने शुरू करा है। और आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पर एक नॉर्थ जोन स्पोर्ट क्लाइंबिंग मीट हुई, जिसमें से हमने कुछ अच्छे क्लाइंबर्स को सिलेक्ट किया है। आने वाले समय में NIM के अंदर सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में एक नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है स्पोर्ट क्लाइंबिंग की, उसकी पूरी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। जो नॉर्थ जोन की टीम सिलेक्ट हुई है वो यहाँ प्रैक्टिस कर रही है और हमें उम्मीद है कि जब नेशनल सिलेक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा उसमें जो सिलेक्शन कैंप में होगा वो नॉर्थ जोन का होगा और स्पेशली उत्तराखंड का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होने वाला। उधर केंद्र सरकार की एक टीम जल संरक्षण और संवर्धन के कामों का निरीक्षण करने के लिए पौड़ी के दौरे पर पहुंची। यहां टीम ने केंद्रीय नोडल अधिकारी के अलावा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर भी इसमें शामिल रहे, जो जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण और संवर्धन के कामों की जानकारी जुटा रहे हैं। इससे जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान को कामयाब बनाया जा सके, इसे लेकर ये प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ये टीम है जो दौरा करने पौड़ी पहुंची थी। यूपी पुलिस के लिए आने वाला शुक्रवार बड़े इम्तिहान का दिन है। जुमे की नमाज होने की वजह से पुलिस ने कानपुर, प्रयागराज समेत यूपी के दूसरे शहरों में भी सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए हैं। और योगी सरकार का 2-2 का आदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा। यूपी में एक दिन बाद यानी कल जुमे की नमाज अदा की जाएगी। 3 जून और 10 जून जैसे हालात ना बने, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सड़कों और गलियों पर पुलिस मुस्तैद है, तो आसमान में निगरानी के लिए ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने शहर में अमन शांति के लिए फ्लैग मार्च किया, साथ ही लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। जनता में विश्वास कायम रहे और कोई भी सिरफिरा, कोई असामाजिक तत्व अफवाह फैला करके भाईचारे को ना तोड़े। मैं हूँ, SSP साहब हैं, पूरी टीम है। जैसा कि ट्रेडिशनली हम लोग फ्लैग मार्च फुट पेट्रोलिंग में घूमते हैं, आज भी हम लोगों ने जो शहर के संवेदनशील इलाके उनका भ्रमण किया गया है। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनता में
विश्वास जगाना था और जो रिस्पॉन्स हमें मिला है वो भी बहुत पॉजिटिव है और उम्मीद है कि जैसे पिछले दिनों यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रही उसी तरीके से आगे भी रहेगी, ये जनता ने यहाँ का हमें विश्वास भी दिलाया। वहीं बरेली में पुलिस ने 29 थानों के लोगों के साथ बैठकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर शेयर करने वालों की फौरन जानकारी देने की अपील की। जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से गलत सलत समाचार फैलाए जाते हैं उन पर सावधानी रखें, और जो युवा पीढ़ी है जो यहाँ नई पीढ़ी की तमाम आई हुई थी उनसे भी अपील इस बात की आईजी साहब ने कि भाई सभी लोग जो है इस बात पर ध्यान रखें, अगर कुछ भी इस प्रकार का अफवाह अगर फैलती है या कोई भी समाचार गलत समाचार आता है तो फौरन थाने के साथ में हम संपर्क करें। ये सबसे बड़ा नासूर है जी आज का मोबाइल, इस पे क्या आता है उस पे विश्वास ना करें, उसे देखें, अगर कोई गलत अशांति फैलाने अमन में खलल डालने की कोई बात करता है उसे तुरंत थाने को सूचित करें, अधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे आपके गांव में घर में कॉलोनी में शहर में तहसील में कस्बे में जिले में शांति स्थापित रहे। हम लोगों ने हर थाना क्षेत्र से जो है वो 20-20 वॉलंटियर्स हर जगह पर बुलवाए थे, इन वॉलंटियर्स के द्वारा आज विस्तृत रूप से उनके संग चर्चा की गई, ये बताया गया कि उनका काम है कि अगर कहीं पे कुछ गलत संदेश चल रहे हैं तो वो पुलिस तक ज़रूर पहुंचाएं, पुलिस की बात जो है उनके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। बरेली की ही तरह अम्बेडकर नगर में पुलिस ने जुमे की नमाज से पहले धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की और शहर में अमन शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की। जितने धर्म गुरु हैं, पीस कमेटी के लोग हैं, मौजिज लोग हैं, उन सब से संपर्क किया गया है, उन सबका सहयोग लिया जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, कम्युनल एजिटेटर हैं, गुंडे हैं, एक एक को चिन्हित करके उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। एटा पुलिस भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है, प्रशासन का पूरा फोकस जुमे की नमाज को लेकर है, इसके लिए पुलिस लगातार बैठक कर रही है। एक तरफ जहां पुलिस लोगों से जुमे की नमाज के दिन शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील कर रही है, वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से नमाज के बाद सीधे घर जाने की सलाह दी है। कानपुर और प्रयागराज में हुई हिंसा के अभी तक निशान नहीं मिट सके हैं, जिसने दोनों शहर को झकझोर कर रख दिया था। जुमे की नमाज के बाद दंगाइयों ने दोनों शहरों की शांति को पटरी से ढकेल दिया था, हालांकि अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और अब खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी के मानसिंह चिकित्सालय में एक हफ्ते में 5 मरीजों की मौत का मामला अब गर्मा गया है। जिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है, लेकिन अस्पताल में मिल रही खामियां तमाम सवाल खड़े करती हैं कि आखिर मरीजों की मौत की वजह क्या है। वाराणसी का ये मानसिक चिकित्सालय सुर्खियों में है, पिछले एक हफ्ते में इस अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, इसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने खुद अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। इसमें नेचुरल रीजन के अलावा कोई बड़े रीजन सामने नहीं आए हैं, जितने पोस्टमार्टम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक डेथ ऑडिट के लिए टीम बना दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच के दौरान अस्पताल में खामियां मिली हैं, जिसके बाद अस्पताल को खामियां दूर करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। लापरवाही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जांचें तो हो रही हैं, उसमें जब आएगा तब पता चलेगा, और जब रिपोर्ट आएगी, सबके पोस्टमार्टम हुए हैं तो पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से ही पूरा क्लियर हो पाएगा क्या वजह है। बाकी दो के बारे में हम जानते हैं, एक पेशेंट डायबिटिक थी, एक पेशेंट जेल का था, वो कई दिन से बीमार था, फिर उसको BHU भेजा गया, फिर दीनदयाल वापस होके आया, वहाँ पर उसकी डेथ। कुछ दिन पहले अस्पताल के कर्मचारियों पर मरीजों के साथ पिटाई के आरोप भी लगे थे, ऐसे में अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं तो उनकी मौत कैसे हो जाती है, आखिर इन दीवारों के पीछे रहने वाला मरीज यहाँ से भाग कैसे जाता है, और इतना ही नहीं, जो मरीज यहाँ रहते हैं उनसे मारपीट की शिकायत भी होती है, मामला भी सामने आता है, और एक कर्मचारी का सस्पेंशन भी होता है। तमाम सवाल हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी।
बढ़ते हैं आगे खबर देहरादून से, जहां देर रात संजीवनी रिजॉर्ट में छापा पड़ा है। सहसपुर पुलिस ने देर रात ऑनलाइन कैसीनो पार्टी पर छापा मारा है, जहां 2.5 लाख के कैसीनो कॉइन्स और 1 लाख कैश बरामद किया गया। यहां रेड के दौरान 26 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और फोन लाइन पर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या ये पूरा मामला है और क्या कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देहरादून में रात को ये पार्टी चल रही थी एक रिजॉर्ट में, और जिस तरीके से, क्योंकि कैसीनो अभी देहरादून में है नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन कैसीनो पार्टी बताई जा रही है पुलिस के द्वारा, जिसमें 2.5 लाख के कैसीनो फाइल्स मिली है, कुछ कैश मिला है, और जो 26 लोग थे जो होटल में ये खेलते हुए पाए गए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें बात यह है कि इसमें देहरादून के सिर्फ 5 लोग हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में पुलिस से पूछताछ कर रही है कि किस तरीके से कैसीनो की जो पार्टी है, ये यहाँ पर जो ऑनलाइन जो गेम है उसको कैसे खेला जा रहा था, इस पर कौन लोग थे जो पैसा लगा रहे थे, और जो होटल है जो यहाँ पर जो इन लोगों को खिला रहा था उसकी क्या इस पर भूमिका हो सकती है। तो ऐसे में पूरी रात तक पुलिस की रेड चली है, जिसमें 26 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर 2.5 लाख के कैसीनो पॉइंट्स और 1 लाख के तकरीबन जो है कैश भी पुलिस को बरामद हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। धार्मिक नगरी वाराणसी में अब श्रद्धालु बीच गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे, क्योंकि काशी में लहरों पर तैरता घाट बनाने की शुरुआत हो चुकी है। खिड़किया घाट पर देश का सबसे पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल तैयार किया जा रहा है, और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कुंड के साथ ही चेंजिंग रूम भी तैयार किए जाएंगे। फ्लोटिंग घाट बनाने के लिए धार्मिक नगरी को पर्यटन से जोड़ने का काम किया जा रहा है, और इससे एक नई धार भी मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। शिव की नगरी काशी, जहां साक्षात महादेव बसते हैं, काशी नगरी पतित पावनी गंगा के तट पर बसी। ये भी कहा जाता है कि काशी नगरी महादेव के त्रिशूल पर बसी है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिसे मोक्ष की नगरी कहा गया है, ऐसे में यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की गंगा में स्नान करने की इच्छा होती है। लोग गंगा में सुरक्षित आस्था की डुबकी लगा सकें, इसके लिए अब फ्लोटिंग घाट बनाया जा रहा है, जिसका काम शुरू हो गया है। अगले महीने राजघाट और नमो घाट के बीच में लहरों पर तैरता स्विमिंग पूल लगा दिया जाएगा। कि वाराणसी में घाट किनारे आपने लोगों को स्नान करते देखा होगा, इसके साथ कई बार ऐसी खबरें भी सुनी होंगी जब लोग गंगा स्नान के बाद गंगा में डूब जाते हैं। इन सारी चीजों का संज्ञान लेकर अब वाराणसी में तैरता हुआ घाट नजर आने वाला है, और ये घाट इन फ्लोटिंग जेटीज के माध्यम से सामने आने वाला है। आप देखिए, चाहे वो नमो घाट हो या फिर इसके पास का घाट हो, इन दोनों घाटों के बीच में ये जेटी नुमा घाट बनाया जाएगा, और इसके बीच में ये जो आप जगह देख रहे हैं ये गंगा स्नान के लिए ये जगह बनाई जाएगी। लेकिन ये जगह बेहद सुरक्षित होगी, इसकी गहराई उतनी ही होगी जितने मानक तय होंगे, और गंगा का जल इस जेटी में पहुंचेगा, स्नानार्थी यहाँ स्नान करेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच में स्नान होगा, जिससे लोगों के डूबने का खतरा भी कम होगा। जिला प्रशासन ने तैरते हुए घाट को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तैरते घाट में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग पूल के साथ ही चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। तैरते हुए घाट पर खड़े होकर श्रद्धालु जहां गंगा का नजारा देख सकते हैं, वहीं बाथ टब में एक साथ 10 से 12 लोग स्नान भी कर सकेंगे। सुरक्षित गंगा स्नान के साथ ही श्रद्धालु सूर्य को जल भी अर्पण कर पाएंगे, साथ ही नाव की सैर करते हुए भी देख सकेंगे। हमने एक फ्लोटिंग जेटी जिसमें फ्लोटिंग घाट जिसमें एक बेदिंग करने का सेफ और तरीके से प्रावधान होगा, उसका निर्माण कराने का निर्णय लिया है। उस पर काम ऑलरेडी चालू भी हो गया है, और वो फ्लोटिंग बेदिंग जेटी अगर प्रथम जो हम लोग बना रहे हैं उसमें अगर टेक्निकली सफल होते हैं तो
अन्य जितने भी घाट ऐसे हैं जिसमें नहाने का कार्यक्रम श्रद्धालुओं द्वारा परंपरा के अनुसार किया जाता है, उन सभी घाटों पे उस तरह की फ्लोटिंग बेथिंग जेटी लगाई जाएगी। उसकी खासियत ये है कि उसमें जो उनका डेप्थ होगा वो एक निश्चित दायरे का होगा और जिसके नीचे एक प्लेटफॉर्म होगा और उसमें गंगा का ही अविरल धारा उससे निकलेगी और उसमें श्रद्धालुगण अपनी परंपरा के अनुसार परंतु एक सुरक्षा के साथ उसमें अपना डुबकी और स्नान कर पाएंगे। अब इस तैरते हुए घाट पर सुविधाओं को भी जान लीजिए। फ्लोटिंग बाथ जेटी की लंबाई करीब 28 मीटर होगी, जिस पर स्विमिंग पूल जैसे दो तालाब होंगे जो सामान्य गहराई 5 फीट तक के होंगे, जिनमें गंगा का साफ पानी होगा। बैठने के लिए कुर्सियां और खड़े होकर देखने के लिए रेलिंग लगाई जाएगी। लकड़ी के ये जेटी पानी पर तैरते रहेंगे, लहरों के साथ नीचे ऊपर भी होंगे। बाढ़ में इसे हटाकर सुरक्षित रख दिया जाएगा, पानी कम होने पर फिर आकार दिया जाएगा। गंगा की लहरों पर बनने वाले कुंड और चेंजिंग रूम का प्रयोग खिड़किया घाट पर सफल रहा तो इसे काशी के स्नान वाले दूसरे घाटों पर भी तैयार किया जाएगा। घाटों पर भीड़ कम होने के साथ ही श्रद्धालु बिना किसी खतरे के गंगा स्नान का पुण्य लाभ कमा सकेंगे। इस व्यवस्था को पूरी तरह से फ्री रखा जाएगा। काशी में तैरते घाट की मुहिम शुरू हो गई है और जुलाई माह तक ये सामने दिखाई भी देने वाला है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।